क्लास एट हिस्ट्री चैप्टर टू नेक्स्ट वीडियो द मराठा वॉर। इसमें हम भारत के इतिहास में अंग्रेजों और मराठों के युद्ध के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसमें बताया गया कि आफ्टर द बैटल ऑफ पानीपत के बाद जो पेशवा थे, यानी पेशवा वहाँ के महाराष्ट्र में जो मराठा राजा होते थे उन्हें पेशवा कहा जाता था। उनके साथ वो बहुत ही तेज़ी से अब महाराष्ट्र में पावर में आए। इसके साथ यह भी था कि यहाँ पर अंग्रेजों और मराठों के साथ लगभग तीन युद्ध हुए। ये युद्ध ब्रिटिश सेना और मराठों के बीच हुए थे। इन युद्धों का परिणाम मराठा जो संघ थे उसके विनाश की तरफ लेकर गया। मराठों पहले ही आपस में, जैसा कि हम जानते हैं कि मराठों में भी पहले से आपस में काफ़ी मतभेद थे, भेदभाव थे, जिस कारण अंग्रेजों को इसका फ़ायदा हुआ और अंग्रेज इसके विरुद्ध एकजुट नहीं अंग्रेजों के विरुद्ध वो एकजुट नहीं हो सके। जहाँ रघुनाथ राव और ईस्ट इंडिया कंपनी से मित्रता करके पेशवा बनने का सपना देखा, वहीं अंग्रेज अंग्रेजों के साथ सूरत की संधि कर ली। वहीं बाजीराव द्वितीय बने बसिन भागकर अंग्रेजों के साथ बसिन की संधि और मराठों की स्वतंत्रता को बेच दिया। पहला युद्ध अंग्रेजों और मराठों के बीच 1775 से 1782 के बीच में हुआ था। और इसके साथ ही माधव राम रघुनाथ राव द्वारा महासंघ के पेशवा मुख्यमंत्री के दावे को लेकर ब्रिटिश ने भी इसका समर्थन किया था। धीरे धीरे मराठों के साथ साथ बहुत सारे संधि हुई। जहाँ तक मई 1782 में युद्ध जारी हुआ, इसमें अंग्रेजों को बम्बई, वर्तमान मुंबई के पास सालसेट द्वीप पर कब्जे के रूप में एक मतलब मिला। 1718 में बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। अंग्रेजों ने उसे बंदी बनाकर बैठूर जेल भेज दिया और वहीं से उसकी मृत्यु हुई। मराठों के पतन की मुख्य भूमिका बाजीराव द्वितीय की ही रही थी, जिसने अपनी कायरता और धोखेबाजी से मराठों को युद्ध में पीछे किया। जिसके परिणामस्वरूप ये हुआ कि पूरे महाराष्ट्र में धीरे धीरे मराठों का जो अस्तित्व था वो खत्म होता चला गया और अंग्रेजों की पकड़ पूरे महाराष्ट्र पे मजबूत होती चली गई। बहुत से पेशवा राजा महाराजा बने, मगर उन्हें मजबूरन अंग्रेजों के आगे संधि करने के लिए विवश होना पड़ा। वो अंग्रेजों की सहायता से ही राजकाज करते रहे। नेक्स्ट हमारा है द सिख वॉर। द सिख वॉर, रणजीत सिंह वॉज द हेड ऑफ द इन ही इमर्ज एज द मोर पावरफुल रूलर ऑफ द पंजाब विथ हिज द टेरिटरी एक्सटेंडिंग फ्रॉम द सेंट्रल पंजाब। उस समय राजा रणजीत सिंह जो पंजाब के शक्तिशाली शासक के रूप में गिना जाता है। अंग्रेज युद्ध राजनीतिक परिणामों के कारण यह युद्ध संभव हो चुका था। अंग्रेजी सेना एक मेजर ब्रॉडफुट की नीतियों और सिख सेनापति लाल सिंह तथा तेज सिंह को अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए उकसाया गया। परिणाम स्वरूप यह हुआ कि पहला अंग्रेज और सिखों का युद्ध हुआ। इस युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग था एवं भारत के प्रधान सेनापति का नेतृत्व लॉर्ड गॉफ के पास था। इस युद्ध में चार लड़ाइयाँ फिर शाम में लड़ी गई और इसका कोई भी निर्णय नहीं हो सका। पांचवी अंतिम लड़ाई में जो निर्णायक सिद्ध हुआ, इस लड़ाई में अंग्रेजी सेना ने सिखों को पराजित किया था। लाहौर का अधिकार कर लिया गया और इसके तहत अंग्रेजों को सिखों को अंग्रेजों से बहुत सारे संधि करने पड़ा, जिसके अनुसार अंग्रेजों ने सिखों से हजाने के रूप में 1.5 करोड़ रुपया लिया। 50 लाख रुपये सिखों ने अपने कोष से दिया था। शेष रकम के बदले पंजाब के कुछ प्रांत एवं कश्मीर अंग्रेजों को सौंप दिए गए। उसके बाद ज़्यादातर जो अंग्रेजी हुए वो अंग्रेजों के अधीन ही काम करते रहे। वो नाम मात्र के ही शासक रहे, मगर उन पर सारा कंट्रोल अंग्रेजों का ही रहा। नेक्स्ट वीडियो हमारा जो है एनेक्शन ऑफ सिंध, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।